हेलो हाँ, ये क्या है? ये मलाई क्रीम बोल। ये इसमें? हाँ। इसके अंदर? ये नहीं खोलते, इसका हो सा रुक। आज में तो आयुषु देखिए यहाँ पे आइसक्रीम बना रहा है। क्या बना रहा है? आइसक्रीम, बस स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी समय हो रहा है 7:30 बज चुके हैं। और ये देखिए अभी मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। और आज मैं बनाने वाली हूँ महाराष्ट्रियन ट्रेडिशनल तरीके की आमटी, जिसको हम यहाँ झिरका भी बोलते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी बनाना। तो यहाँ पे मैंने लिया है 3 हरी मिर्ची ली है, और एक कटोरी से चौथाई हिस्सा मैंने खोबरा लिया है, और यह है लहसुन की कलियाँ और भुनी हुई तिल ली है, और यह है धनिया, हरा धनिया। तिल को मैंने भून लिया है और हरा धनिया, और यहाँ पे मूंगफली का पाउडर है। तो ये स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, और उसके लिए मैं अभी लूँगी, तड़के के लिए लेना है हमें ये है हींग, हल्दी पाउडर, जीरा, राई, और बस इतना ही लेना है, बाकी मसाले नहीं यूज़ करने हमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने देखिए तिल, हरा धनिया और मूंगफली का पाउडर, इन तीनों इंग्रेडिएंट को थोड़ा सा पानी डाल के गाढ़ा मिश्रण तैयार कर लिया है। और उससे पहले मैंने खोबरा, हरी मिर्ची और लहसुन को मैंने ऑलरेडी पीस लिया है। तो वो देखिए प्लेट में देख सकते हैं आप, और ये अलग से दोनों मैंने अलग अलग से पेस्ट बना के रख दिया है। और जो खोबरे का मिश्रण था ना, उसके अंदर मैंने पानी नहीं डाला है। तो अभी मैं 2 चम्मच मूँगफली का तेल डालूँगी, और तेल के अंदर जीरा राई डालना है। और ये वाली रेसिपी हमारे नासिक की फेमस रेसिपी है। तो जिन जिन लोगों ने टेस्ट की होगी मुझे बताना कमेंट करके। तो जीरा राई डालने के बाद में हींग डालूंगी मैं, और उसके बाद ये सूखा पाउडर डालना है, खोबरे का पाउडर जो मैंने सूखा मिश्रण बना के रखा था ना, लहसुन, खोबरा और हरी मिर्च का, वो ही। तो उसको अच्छे से भून लेना है पहले। और ये भुनने के बाद में इसके अंदर मैं हल्दी पाउडर मिलाऊंगी, और 1 ग्लास जितना मैं पानी डालूंगी। ये बड़ा वाला कप है तो इसकी क्वांटिटी उतनी ही, 1 ग्लास जितनी है तो यही है। और ये मैंने ऐड कर दिया है पानी, इसको भी बॉयल होने देना है, और स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डालना है। और इसको अच्छे से 10-15 मिनट अच्छे से हमको पकाना है, जब तक कि गाढ़ा ना हो जाए ना, तब तक अच्छे से पकाना है इसको। और इसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है, खास करके बाजरे के रोटी के साथ। तो देखिए उसके बाद मैं तिल का मिश्रण डाल दूँगी, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करने के बाद मैं अभी ढक्कन रख के 2 मिनट के लिए पकने दूंगी। उससे पहले मैं ये थोड़ा बचा हुआ मसाले का पानी था ना, वो डाल दूंगी। तो बस 2 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे इसको। तो देखिए पकने के बाद में
इस तरह से दिखती है। इसको मैंने बहुत अच्छे से पकाया है, 5-10 मिनट अच्छे से पका लिया है इसको। और अभी दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए कितनी यम्मी लग रही है ना। और इसको आप बाजरे की रोटी के साथ में खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आई होप सो आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताना कमेंट करके किस किस ने ये रेसिपी ट्राई की है। तो चलो मैं नेक्स्ट डे मिलती हूँ आपको, मॉर्निंग में मिलती हूँ। तो फ्रेंड अभी शाम हो चुकी है, और ये देखिए अंशु ने कल आइसक्रीम बनाई थी ना, वही तो चलो मैं अंशु के पास दिखाती हूँ आपको। हाँ, इसके ऊपर से वो स्ट्रॉबेरी सिरप डालूँगी। और यकीन नहीं मानोगे, मुझे नहीं भी नहीं यकीन था कि इतनी अच्छे से बनेगी घर में आइसक्रीम, क्योंकि ये मलाई की ही है। तो हम कस्टर्ड की बनाते, इतनी खास नहीं लगती है, तो बहुत अच्छी बनी थी आइसक्रीम। तो यहाँ पे देखिए अभी टाइम हो रहा है 6:30 बज चुके होंगे, और कल मैं ब्लॉग नहीं पूरा कर पाई क्योंकि रात हो गई थी, तो इसलिए मैंने आपके साथ वो रेसिपी शेयर की थी। तो मैं ना आज सुबह से स्टार्ट करने वाली थी ब्लॉग, पर नहीं कर पाई तो इस वजह से। और यहाँ पे देखिए मटर छील रही हूँ मैं, और अंश पढ़ाई कर रहा है, और मेरे हस्बैंड आज दोपहर से घर पे ही है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी ना इस वजह से, और वो न्यूज़ देख रहे हैं। और न्यूज़ में आपको तो पता ही है, तो वो दिल्ली का हंगामा हो रहा है वहाँ पे, वही चल रहा है। मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, वो देखते हैं। पर चलो अभी मैं किचन में मिलती हूँ आप सबसे। तो यहाँ पे देखिए दूध गर्म हो चुका है साइड में, और मैं धनिया कट कर लूँगी। ये देसी धनिया है फ्रेंड्स, और इतने सालों बाद मैं यहाँ पे देख रही हूँ देसी धनिया, क्योंकि राजस्थान में हम रहते थे ना, वहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। तो देखिए इस तरह से रहता है, और ये बहुत दिनों तक चलता है, ख़राब नहीं होती इसके पत्तियाँ, और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है इसका। तो ये देसी हरा धनिया है। तो और ये है आपे का मिश्रण, कल रात को मैंने दाल को भिगोया था, और पूरे दिन मैंने सुबह पीस के फिर पूरे दिन ऐसे सेट होने के लिए रख दिया था, जैसे कि हम इडली का बैटर रखते हैं ना फूलने के लिए, उस तरह से ये फूल चुका है। और आपे के लिए मैं बनाऊंगी, और मैं अभी कट कर ले रही हूँ प्याज टमाटर हरा धनिया, आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हो, मैंने हरी मिर्ची नहीं डाली है यहाँ पे। तो कोई कोई सूजी के भी आपे बनाते हैं, वो भी टेस्टी बनते हैं, पर मैं मिक्स डाल के बनाती हूँ। इसके अंदर मैंने डाला है और आपे के लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट लिया है उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पे मैं बता नहीं रही हूँ तो मैंने क्या क्या डाला है और कौन से दाल यूज़ की है, क्योंकि वीडियो मैंने फास्ट कर दिया था इस वजह से। तो देखिए मैंने इसके अंदर टमाटर प्याज और हरा धनिया मिला दिया है, और नमक ऑलरेडी मिला दिया है, और क्या क्या मिलाया है वो सब मैं डिटेल में आपको बताऊंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना। तो इसको मैं हाथ से मिला दूंगी अच्छे से, क्योंकि ये छोटा पतीला था तो चम्मच से मुझसे मिक्स नहीं हो रहा था, तो हाथ से अच्छे से मैं मिला दूंगी। और अभी हम चलो आपे बनाने की तैयारी करते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं गैस ऑन कर लूँगी, और आपे का जो बर्तन होता है ना उसके अंदर मैं तेल डालूँगी 1-1 चम्मच जितना। और ये मेरा छोटा वाला बर्तन है, इसके अंदर 7 आपे बनते हैं, और लूँगी, मुझे नया भी लेना है, आपे का बर्तन लेना है मुझे, और जब भी लूँगी ना मैं आपको शेयर करूँगी आपके साथ में। तो यही है, तो चलो अभी एक एक करके मैं बना लेती हूँ, वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देती हूँ, या नहीं तो वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं तो इस वजह से। और ये जो आपे का बर्तन है मेरे शादी के टाइम से लिया हुआ है, 7-8 साल हो गए हैं इसको, तो बहुत पुराना हो चुका है, इसमें चिपक जाते हैं बहुत। तो यही है, और आप किस तरह से बनाते हो मुझे बताना, और रेसिपी भी शेयर करना। तो यही है, और ख़ास करके बच्चों को सब्जियां डाल के दे देना चाहिए, इसी बहाने बच्चे सब्जियां भी खा लेते हैं। तो यही,
और मिश्रण डालने के बाद में मैं ढक्कन रख देती हूँ। और यहाँ पे देखिए अभी मैं टमाटर लूँगी, और यहाँ पे देखिए टमाटर ये आधे ख़राब हो चुके हैं और मुझे एकदम घिन आ जाती है। देखिए अब देख सकते हैं नीचे के जो टमाटर थे ना वो बहुत गल चुके थे, बहुत गंदे हो चुके, तो मैंने सोचा इसको बाहर निकालो, थोड़े पोंछने के बाद में ही अच्छे से जो नेट की कैरी बैग आती है ना उसके अंदर भर दूँगी। तो ऐसे वाले जो हम गीले गीले उस दिन क्या किया था मैंने धो के डायरेक्ट मैंने कैरी बैग में डाल दिया था, तो इस वजह से शायद ख़राब हुए होंगे ये। तो यही है, अभी इसको मैं अच्छे से वॉश करके फिर सूखने दूँगी, सूखने के बाद में ही मैं फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी इन्हें। और अंशु देखिए बीच में आ गया है और नीचे मुझे मिल जाता है गैस के नीचे और एक टमाटर। तो अभी मैं साथ ही साथ पोंछ लेती हूँ, मुझे खाना बनाते ही मैं काम भी करती हूँ साथ में ही इसे। तो देखिए यहाँ पे मेरे आपे पक के रेडी हो चुके हैं, तो दिखने में देखिए कितने अच्छे से फूल चुके हैं। अगर आप लो फ्लेम पे करोगे ना तो बहुत अच्छे से जमेंगे ये, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में देख लेना कि मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट लिए हैं इसके लिए। तो ये देखिए अभी थोड़ा सा तेल डालने के बाद में थोड़ा सा क्रिस्पी बना लेती हूँ मैं इसको। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, इसके अंदर मैंने टमाटर भी डाला है। तो आई होप सो आपको पसंद आया हो। तो चलो मुझे थोड़ी बातें करनी है आपके साथ में, तो चलो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद में। हेलो एवरीवन, और बहुत दिन हो गए आपसे बातें नहीं की मैंने, तो मुझे एक बात क्लियर कर देनी थी यहाँ पे। किसी और यूट्यूबर के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप गलत से मत लीजिएगा, मैं उन लेडीज़ की बात कर रही हूँ जो हमारे YT मेंबर है, हमारे महाराष्ट्रीयन YT मेंबर जो फैमिली है, YT की फैमिली है, उनके बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। मुझे बोलना है यहाँ पे कि मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पे कि आप प्लीज़ गलतफहमी मत लीजिएगा, मैं हर किसी के वीडियो वॉच करती हूँ, जैसा मुझे टाइम लगता है उनके वीडियोज़ में वॉच करती हूँ। और मैं हाँ एक कमी रह जाती कि मैं कमेंट नहीं कर पाती, और जब भी मैं खाना बना रही हूँ कुछ काम व्हाट्सएप पे जो भी मेंबर जुड़े हैं ना महाराष्ट्रीयन लेडीज़, ख़ास करके उन लेडीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ। पहले तो फर्स्ट उन्होंने अपने चैनल का नाम नहीं बताया था, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं ना, जो भी ग्रुप से जुड़े हो प्लीज़ अपने अपने के वीडियोस अपने अपने चैनल की लिंक शेयर करा करिए, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं होता ना किसी को भी, तो कैसे हम देख पाए उनके वीडियो। तो यही है, और मुझे भी पता नहीं था कि किसी किसके चैनल है, क्या नाम से हैं, और कोई कोई तो नंबर ही शो हो रहा था, इस वजह से मैं देख नहीं पाई। ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के आपके चैनल नहीं देख रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है डियर। आई होप आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। कल मैंने वॉच किया थोड़ा, दो वीडियो देखे उनके और कॉमेंट भी किया, और कभी कभी मैं कॉमेंट करना भूल जाती हूँ, तो यही है, तो यही मुझसे मिस्टेक हो जाती है। तो प्लीज़ समझ लेना, क्योंकि आप भी एक हाउसवाइफ है, तो समझ लीजिएगा मेरी। आई होप और ऐसे ही और बस ये ऐसे ही एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे हम। और जो भी मेरे फेवरेट जिन लेडीज़ को मैंने सब्सक्राइब किया है ना, उन लेडीज़ के सारे वीडियोस मैं देखती हूँ, और उनके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। कोई भी मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, तो
यही है। मुझे सारे, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ घर का काम करके YouTube पे आना कोई इजी बात नहीं है, तो मैं हर किसी को के वीडियो देखती हूँ और पूरा वॉच करती हूँ। तो आप कोई भी मत समझिएगा कि मैं आपके वीडियो वॉच नहीं करती, मैं हर किसी के वीडियो वॉच करती हूँ, पर एक मुझसे गलती हो जाती है, मैं कमेंट करना भूल जाती हूँ कभी कभी, तो प्लीज़ समझ लेना, मैं दोबारा से बोलती हूँ। तो चलो, यही तक था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट करके, से एक दूसरे को सपोर्ट करें आप फ्रेंड्स। तो ये तो चलो, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, तब तक के लिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।